अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, पार्षद एवं अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। इस मौके पर नगर निगम परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शुभकामना संदेश का बैनर भी नगर निगम द्वारा लगाया गया था। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर हर्बल पौधे लगाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हमें निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद अजय राय, आलोक सिंह विशेन, जितेंद्र चौधरी जीतू, विष्णु शंकर श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इधर से लगाए, इधर से और इसे जाइए दूल्हा जी का कोई बात नहीं। रात का कहां है जी इसका? चले नीचे मामला है। हां फिर पकड़ो। आज यहाँ पे वृक्षारोपण करके उनके दीर्घायु की कामना की है। इच्छा के लिए सभी व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। यह जीवन का मुख्य स्रोत हमारे पेड़ पौधे हैं और इसके बिना जीवन अधूरा है। अभी हम लोगों ने देखा था कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व सबको मालूम हो गया, तो इसके लिए प्रकृति में हमको संपन्न करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, कि पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम सब वृक्षों के और सभी जितने उद्यान के हम लोगों के अपने क्षेत्र हैं, पार्क हैं शहर में, उन सभी पार्कों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएंगे, नागरिकों का भी ध्यान उस ओर आकृष्ट कराएंगे कि हम सब पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगातार सजग रहें। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में नगर निगम गोरखपुर के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने माननीय पार्षदगणों के सहयोग से जो हमारा नगर निगम का पार्क है वहां पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने मिलकर वहां पर पौध को लगाया। इसका उद्देश्य यह था कि इधर अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि जो कोरोना की लहर आई हुई थी उसमें किस प्रकार की ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर जो एक अजीब सी समस्या सामने खड़ी हो गई थी, उसको देखते हुए इस वक्त इस घड़ी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति वृक्ष लगाएगा निश्चित रूप से वो समाज को उतनी ही बड़ी सेवा करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको मिशन मोड में ये काम कराया जा रहा है। आगे भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में एक वृहद वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम आ रहा है जिसमें कि नगर निगम को पूरे शहर में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए जाने हैं, उसके लिए भी नगर निगम अपनी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही साथ निश्चित रूप से आज जैसा आपने कहा माननीय
जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी सभी जो हमारे नगर निगम के जितने भी माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, जितने हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की और उसके लिए भगवान से उनसे एक प्रेयर किया। और आज का यही उद्देश्य लेकर, दोनों उद्देश्यों को लेकर मुख्य रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम लक्ष्मीबाई पार्क में पर्यावरण दिवस और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 50वें जन्मदिन पर दो कार्यक्रम किया है। हम लोग ने योगी आदित्यनाथ जी को 50वें जन्मदिन पर नगर निगम परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने पर्यावरण दिवस के लिए लक्ष्मीबाई पार्क में हर्बल पौधे लगाए हैं जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो। पिछले महीने हम लोगों ने देखा था कोरोना काल के अंदर कि ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई थी और बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा प्रकृति में तो मानवता के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा, तो इसका संवर्धन करना हर नागरिकों का दायित्व है। और आज के दिन मैं शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि एक एक पौधा जहां भी हो सुरक्षित उसको लगाएं, साथ ही साथ उसका पोषण भी करें। पौधा लगा देना एक अलग चीज़ है और एक परिवार के बच्चे की तरह उस पौधे का पोषण करेंगे तभी प्रकृति को इसका लाभ मिलेगा। ऑक्सीजन भी हम हवा से लेते हैं, जितने भी हमें ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं हमें प्रकृति से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी प्रकृति में तो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व के सभी लोग इस पर चिंता करते हैं और हर सरकारें इस पर चिंता करती है और पौधारोपण करती है। विशेषकर लोगों से आग्रह है कि ऑक्सीजन भारी मात्रा में देने वाले पौधे पीपल, बरगद, पाकड़, बेल, नीम, ये सब पौधे लगाएं जो हमें प्रकृति में ऑक्सीजन प्रदान करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करती है और हमारे आप तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म ग्रंथों में पीपल का बहुत बड़ा स्थान है, उसकी माताएं बहनें पूजा करती है, उसको रक्षा सूत्र बांधती हैं, जल देती हैं। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है मूले ब्रह्मा त्वचाए विष्णु पत्ते पत्ते देवाना, इस तरह हमारे देश में पीपल के पौधे का महत्व है और पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इसका धर्म का रूप भी दिया था प्रकृति को संरक्षण करने के। तो हमारे लोगों से मांग है, हम लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों के लिए स्वच्छ पर्यावरण देना है, शुद्ध हवा देनी है तो पौधा अवश्य लगाएं। एक व्यक्ति को जीवन में 16 पौधे के ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एक व्यक्ति 16 पौधा लगाएगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आदमी के 70 साल की उम्र होती है, 16 पौधा आसानी से लगा सकता है। अगर इस तरह की सोच सबकी बने तो हम बहुत बड़ी प्रकृति को सुरक्षा दे पाएंगे। यही हमारा आज के दिन आग्रह है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।